आज़ादी से उसमें है, तो ये बड़ी बात थी। और एक युग जो मेरे सामने खड़ा था, अगर वो ये कहता है कि कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, और उसमें मेरी कोई भूमिका है, तो मैं अपने आप को बड़ा सार्थक समझती हूँ। आज जब हम इस सभा में बैठे हैं, तो मैं उस परिवार के साथ अपने आप को जुड़ाव महसूस करती हूँ जिस परिवार से होकर के वो निकले और जिन परिस्थितियों में होकर वो निकले, और जिस समाज को बनाने के लिए उन्होंने कुछ भूमिकाएँ सोची थी। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि तब सही मानेंगे जब हम सोचेंगे कि जिस काम को उन्होंने, जिस योजना को उन्होंने अपने मन में सोचा था, उसे आगे ले जाने का जिम्मा हम अपने ऊपर चाहें, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरह की भूमिकाओं से हम करते हैं। इतना ही। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकार लेखक तिल्लन रिछारिया की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको याद दिला दें कि इसी साल की 28 जुलाई को रतलाम में अचानक हृदय गति रुक जाने से वरिष्ठ पत्रकार लेखक तिल्लन रिछारिया का निधन हो गया था। स्वर्गीय रिछारिया ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम कमाया है। उन्होंने कई बड़े मीडिया घरानों में जैसे कि हिंदी एक्सप्रेस, धर्मयुग, महान एशिया, ज्ञान युग, प्रभात, करंट, बोरीबंदर, वीर अर्जुन, राष्ट्रीय सहारा, हरिभूमि, कुबेर टाइम्स, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अपनी सेवाएं देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सुनहरा नाम अंकित किया है। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा के अलावा उनकी धर्मपत्नी पुष्पा रिछारिया, सुपुत्र रवि रिछारिया, लोकेश शर्मा, सुनील श्रीवास्तव सहित अनेक पत्रकार लेखक, साहित्यकारों तथा बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। साथ ही तिल्लन रिछारिया के योगदान को एक बहुत बड़ा योगदान मानते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।